तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि दोस्तों एक बार वीडियो टच करके देखो, स्क्रीन पर टच करके देखो। अरे देखो तो सही यार, अब यहाँ पे लेंथ देख लो आज कितनी है, यानी कि आज की वीडियो कुल मिलाकर थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। और आज की अगर आपने वीडियो ये मिस करी या थोड़ी सी भी स्किप करी, तो आप जितने भी कमेंट करते हो मुझे शेयर चैट से रिलेटेड, आप ये जान लो कि उसके आंसर इसी के अंदर हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से सुनें और समझें, और इस बात पर अमल यानी अप्लाई करें आप, तो बहुत कुछ हो सकता है। शेयर चैट पर आप भी 110% अर्निंग कर सकते हो, ये मैं दावा ठोक के आपको आज बता सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो शेयर चैट पर आप गलतियाँ करते हो वो 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि पूरी 5-5 ऐसी गलतियाँ हैं जो आप शेयर चैट पर करते हो। अब क्या क्या गलती है आज की इस वीडियो में, वही हम सारी बातें करने वाले हैं, उसी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो यार उनसे आज हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। सब्सक्राइब करना क्या होता है, लाल वाला जो बटन है वो यहां पे बटन दबाएं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो शेयर चैट की डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए उसकी। तो आज की वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या क्या गलतियां हैं जो आप हमेशा शेयर चैट पर करते हो। आज को मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा रात भर मेहनत करने के बाद इसको लिखा है। तो देखो, आप जो गलती करते हो वो हैशटैग की करते हो, कैटेगरी की करते हो, ट्रेंडिंग की करते हो, टाइमिंग की करते हो और क्वांटिटी की करते हो, जिसमें आज मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको यूज़ करना है शेयर चैट, अर्निंग भी करनी है, लेकिन उस पर टर्म्स एंड कंडीशन आपको नहीं पता। तो क्या उसकी कंडीशंस हैं, कैसे आप उस पर काम कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो पहली गलती है हैशटैग। हैशटैग की गलती क्या है दोस्तों, कि आप जब भी कोई वीडियोस डालते हो तो उसमें हैशटैग जो यूज़ करते हो वो कभी कभार ऐसे होते हैं जो नॉन ऑफ टॉपिक होते हैं, कभी हैशटैग ऐसे यूज़ होते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं करते, वो आप हैशटैग उसमें यूज़ कर लेते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप कोई गाना गा रहे हो, गाना गाने वाली वीडियो आपने उसमें डाल दी, लेकिन आप उसमें हैशटैग डाल रहे हो गुड मॉर्निंग, आप उसमें हैशटैग डाल रहे हो शुभ रात, आप उसमें हैशटैग डाल रहे हो चांदनी रात, तो ये हैशटैग इसमें नहीं यूज़ करना चाहिए। इसकी वजह से भी आपकी वीडियोज़ जो रैंक करनी होती है वो भी नहीं हो पाती। अच्छा, दूसरे हैशटैग की यहाँ बात करते हैं, तो हैशटैग कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आप कैटेगरी इसके भी हिसाब से आप हैशटैग डाल सकते हैं। जैसे मान लो आपने, अभी मैंने सिंगिंग का एग्जाम्पल दिया, फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर एक न्यूज़ का कंटेंट डालते हो तो आपको उसमें, जाहिर सी बात आप इस लिखोगे ब्रेकिंग न्यूज़, टुडे न्यूज़, ये ठीक है, लेकिन आप उसमें भी लिख रहे हो गुड मॉर्निंग, आप उसमें भी लिख रहे हो कि आज की अच्छी खबर या आज की ट्रेंडिंग खबर। अब आज की ट्रेंडिंग खबर वाला जो मैटर है, अगर आपने सोशल से रिलेटेड डाली है तो ट्रेंडिंग है, ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रेंडिंग का मकसद ही नहीं है उस वीडियो का, उस पर भी आप हैशटैग यूज़ कर रहे हो ट्रेंडिंग का, तो वो वीडियो भी आपकी रुक जाएगी। तो यहाँ तक आपको अगर बात समझ में आ रही हो तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि ये गलतियाँ आप करते हो। अब यहाँ पर आती है नंबर दो, तो हैशटैग नंबर दो है आपका कैटेगरी। अब कैटेगरी क्या है, कि आप बहुत सी वीडियोस ऐसी डालते हो जो अन कैटेगरी की होती हैं, यानी कि मान लो आप एक ऐसे यूज़र हो शेयर चैट पर जो फ़नी किरदार को दिखाता है, यानी कि जो फ़नी किरदार है आपका, उस किरदार में आप रहते हो और वही किरदार आप उसमें दिखाते हो, तो कुछ हंसी मजाक के चुटकुले वगैरह डाल देते हो, ठीक है, तो ये आपकी एक कैटेगरी हो गई। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बहुत से लोग उसमें ये करते हो कि हैशटैग आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से तो डाल ही दिया, लेकिन कैटेगरी अब आपने ख़त्म कर दी, क्योंकि आप जब तक एक एंटरटेन वाली कैटेगरी डाले थे तब तक आपकी एक कैटेगरी चल रही थी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, उसमें न्यूज़ का भी आपने डाल दिया, अब आप उसमें गाना भी डाल रहे हो, अब आप उसमें कुछ मतलब लोगों को एडुकेशन भी दे रहे हो, एजुकेशन भी पर्पस समझा रहे हो, तो ये आपकी कैटेगरी के खिलाफ हो गया। अब इस कैटेगरी को भी आपने ख़त्म कर दिया, तो उसकी वजह से भी आपकी अर्निंग रुक सकती है, स्कोर पॉइंट्स डाउन हो सकते हैं और हो सकता है आपका अर्निंग ब्लॉक हो जाए, तो इस चीज़ से भी बच के रहना। अब ये तो हो गए आपके दो यहाँ पे टॉपिक जिसके बारे में आप गलतियाँ करते हो, तो ये मैंने बता दिया। अब आता है नंबर तीन, तो नंबर तीन है आपकी ट्रेंडिंग। अब ये बड़ा मसला है, इसमें क्या है कि भाई देखो, आप जो भी वीडियोस बनाते हो बहुत अच्छी है, टॉपिक भी समझ में आता है आपको, कैटेगरीज भी आपने सेलेक्ट कर रखी है, हैशटैग भी बहुत अच्छे डालते हो आप, लेकिन कभी कभार आप ऐसा रह जाते हो कि टॉपिक जो है आपका वो ट्रेंडिंग वाले भी चलते हैं। जैसे आप देखते हैं जब भी शेयर चैट ओपन करते हैं तो आपको फ्रंट पेज पर दिखता है ट्रेंडिंग पेज, तो
तो जब ट्रेंडिंग पेज आपको दिखता है तो ट्रेंडिंग पेज का मतलब ये है जो ऑलमोस्ट ट्रेंड चल रहा है। एक आध वीडियो आप उस पर बना के डाल सकते हो, तो आप उस पर भी कभी कभार नहीं बना पाते हो। ट्रेंडिंग की मैं बात यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे मान लो आप एक यूज़ करते हो, आपकी एक मतलब एक कैटेगरी बटी हुई है कि आप एक एजुकेटर हो, आप एक इंटरटेनर हो, आप एक म्यूजिक हो, उसमें आप एक सिंगर हो, तो आपकी तो एक कैटेगरी है। लेकिन अगर ट्रेंडिंग का टॉपिक आप उठा के उसमें डालते हो उसी कैटेगरी को, यानी कि जो आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी में आप उसको उठा के ट्रेंडिंग का मसला डालते हो, तो ट्रेंडिंग में आपको व्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं, आपको स्कोर जो पॉइंट है वो अच्छे मिल जाते हैं, और पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको उस ट्रेंडिंग वाले हैशटैग टॉपिक पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप इस बात समझ रहे होंगे कि मैं हैशटैग ये ट्रेंडिंग वाला क्यों कह रहा हूँ। ट्रेंडिंग का मतलब ही ये है कि जो ऑलमोस्ट ट्रेंड कर रहा हो, जो लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ रहे हों, गूंज रहे हों, उसको ज़्यादा से ज़्यादा निकाल रहे हों, दैट मीन्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक। तो आपको भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक ले लेना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक की भी बात हो गई। अब आती है चौथा, यानी कि नंबर चार है आपकी टाइमिंग। तो यहाँ देखो, टाइमिंग वाला थोड़ा पावर वाला समझने वाली बात है। टाइमिंग क्या है कि आपने एक वीडियो जो है वो डालते थे आप 10 बजे 12 बजे, ठीक है, 10 से 12 के बीच। अब आपने डालना शुरू कर दिया उसको 2 से 3 के बीच, फिर आपने चेंज कर दिया उसको, डालना शुरू कर दिया आपने 4 से 5, उसके बाद आपने पता ही नहीं चल रहा, कभी आप सुबह डालो, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी कुछ। तो ऐसे आपको नहीं करना। एक टाइमिंग अगर आपकी सेट है तो आप उस टाइमिंग पर कोशिश करें कि उस टाइमिंग पर आप अपनी वीडियो डालें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम का बहुत बड़ा पंगा होता है, हर जगह पंगा होता है, क्योंकि मान लो जो व्यूअर्स आपके हैं, जो आपको देखना पसंद करते हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, वो आपको आज जिस टाइम पर देख रहे हैं, हो सकता है कल भी उसी टाइम का इंतज़ार कर रहे हों कि आज भी वीडियो आएगी और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, इंटरटेन में होंगे। लेकिन आपने तो आज टाइम बदल दिया, आज तो आपने 10 बजे की जगह 12 बजे का डाल दिया। तो यहाँ पर उन लोगों के मन में भी नेगेटिविटी आ जाती है कि यार ये तो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में है, कोई वो नहीं है। यानी कि मतलब अगर एंटरटेनर है तो एंटरटेन करें, एंटरटेनर का काम एंटरटेन करना है, और उस टाइम पे करना है जिस टाइम पे ऑडियंस हो, ठीक है। तो आपकी ऑडियंस अगर 10 से 12 बजे के बीच बंधी हुई है, आपको उसके ड्यूरेशन के हिसाब से आपको व्यूज़ अच्छे मिलते हों, लाइक्स अच्छे मिलते हों, कमेंट्स अच्छे आ जाते हों, तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक आपके लिए वेट करती है कि आप कुछ कंटेंट डालें और मैं उसको देखूँ। लेकिन आपका जो टाइम गलत हो जाता है उसके चक्कर में भी कई कई बार ऐसा हो जाता है जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपको अनफॉलो भी कर देते हैं, कई बार ऐसा हुआ है और बहुत से कमेंट्स मुझे ऐसे आ चुके हैं। तो यहाँ पर टाइमिंग का सबसे बड़ा पंगा होता है, इस चीज़ को आपने संभाल कर रखना है, बिल्कुल। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो है, जिसमें आप सबसे बड़ी गलती करते हो, वो है आपका नंबर 5। और 5वें नंबर पर क्या गलती है आपकी, वो है आपकी क्वांटिटी। जी हाँ दोस्तों, क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई आपने आज वीडियो डाली 10, फॉर एन एग्जांपल, जो कि आप मॉर्निंग में डाल रहे हो या इवनिंग में डाल रहे हो, या हो सकता है पूरे दिन में आप डाल रहे हो उसको, यानी कि दो आज, दो सुबह, दो दोपहर, इस तरह से करके आप 10 पूरी दिन में उड़ा डाल रहे हो। तो यहाँ आपकी टॉपिक, हैशटैग, कैटेगरी कोई मैटर नहीं करेगी, सब अलग हो जाओ। यहाँ पर अब आपकी बात क्या है कि आप जो भी कुछ अपना ये डाल रहे हो क्वांटिटी, वो आपकी 10 वीडियोस की है जो आप प्रतिदिन डालते हो। अगले दिन आपने क्या किया कि आपको उस टाइम थोड़ा सा पंचुअली नहीं हो पाया, तो आपने 10 की जगह 9 ही कर दिया। हो सकता है दो एक दिन बाद ऐसा भी हो जाए कि कोई इमरजेंसी के कारण आपने एक भी वीडियो नहीं बनाई हो, या हो सकता है बनाई तो हो लेकिन दो तीन ही बना के आप छोड़ दिए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दो चार दिन तक आपने ये चलता रहा सिलसिला, उसके बाद कम करना शुरू कर दिया कि आपको लगने लगा कि यार अब तो ठीक है, 1,000 व्यूज़ आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2,000-4,000 भी व्यूज़ आते हैं, एक दिन आपके ऐसा हो गया 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं, अर्निंग भी अच्छी जा रही है, पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं, स्कोर भी बढ़ रहा है, ठीक है, अर्निंग आ रही है, अच्छा मामला है। आपने जब ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो आपने क्या करा, अब 2-4 वीडियो डालो, कोई ऐसी बात नहीं, फैंस हैं मेरे। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी गलती करते हो, मैं आपको बता दूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि आप सबसे बड़ी गलती करते हो वहाँ पर, क्योंकि जब आप ये सोच लेते हो अपने मन में कि यार मैं बहुत बड़ी गलतियां कर रहा हूँ और अब तो मैं 2-4 वीडियो भी डाल के इतना कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखना भाई कि आपका अकाउंट जो है वो बंद भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी वीडियोस का एक शुमारो चल रहा था, 10 से 15 आप वीडियो डालते थे और एक टाइम आपका ऐसा आया जो 2 से 3 वीडियो डाली हैं, तो ऑलमोस्ट आपकी अर्निंग खत्म होने लगेगी, आपके जो पॉइंट हैं वो धीरे धीरे डाउन होने लगेंगे, स्कोर जो है वो धीरे धीरे आपका डाउन होने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप महीने में 30 से 40 हज़ार भी कमाओगे या 10 से 20 हज़ार भी कमाओगे, तो कुछ टाइम बाद ऐसा भी होगा कि आपके पास अब अर्निंग का जो सोर्स है वो कुल मिलाकर बचेगा 200 से 300 रुपये, या 400 से 500 रुपये, या हद से हद होगा तो 1,000 रुपये आप महीने के कमाओगे।
ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपका अर्निंग ही बंद हो जाए। कहीं ना कहीं तो गलती इंसान करता है और उसी गलती की वजह से वो मार भी खाता है। तो यहाँ पर उन गलतियों से दूर रहना है, उन गलतियों से बचकर रहना है। तो यहाँ मैंने कुल मिलाकर जो भी आज टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को मैंने बताया, 10 मिनट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए वीडियो को मेरी। और देख सकते हैं आप जो टॉपिक है, पहला नंबर हैशटैग आपको सही डालने हैं, किस तरह से बताया मैंने वो याद रखना बस अच्छे से। दूसरा जो है वो कैटेगरी, आपको कैटेगरीज अच्छे से डालनी है, किस कैटेगरीज में आप काम कर रहे हो वो आपको ध्यान रखना है, उसी कैटेगरीज पर वीडियो बनानी है। तीसरा नंबर आता है आपका ट्रेंडिंग टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला भी हो सकता है। ट्रेंडिंग टॉपिक जो भी आता है और आपकी कैटेगरी जो भी है, उस कैटेगरी में उस ट्रेंडिंग टॉपिक को ढाल दो और उस पर वीडियो बनाओ, तो आप अच्छे से समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथ बात नंबर चार पे आ जाते हैं, तो यहाँ टाइमिंग, जो कि टाइमिंग मैंने जैसे बताया कि अगर आप एक टाइमिंग पर डाल रहे हो तो उसी टाइमिंग पर कोशिश करो कि उस टाइमिंग पर डालो, ताकि जो आपकी रीच है, आपके जो फॉलोवर्स हैं, उस टाइम को आपको देख सकें, अदरवाइज आपको अनफॉलो भी कर सकते हैं। तो ये चार हो गए। और पांचवा जो है वो है आपकी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और इससे अच्छा हो ही नहीं सकता जब आप क्वांटिटी पर काम करने लगोगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा, अगर इन चीज़ों को आपने सब बातों को मेरी आज मान लिया, तो मैं ये हाथ जोड़ के नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला लिख के दे सकता हूँ कि इन सारी चीज़ों को अगर आपने मेरी माना है और मान के उस हिसाब से एक महीना भी काम करोगे, तो जो लोग शेयर चैट पर अर्न नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी एक रुपया आज तक नहीं कमाया है और चैंपियनशिप में भी नहीं आए हैं वो लोग, और आज ही शेयर चैट ओपन किया है, तो मैं बता रहा हूँ अगर आप इन सब चीज़ों को आज मान लोगे तो शेयर चैट पर एक महीने के बाद आप भी पैसा कमा पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं शायद सोचता हूँ यहीं तक ख़त्म कर दूँ, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आज मैं बहुत ज़्यादा आपने सुना भी होगा और अच्छी चीज़ें हैं, और वो चीज़ आज मैंने सेलेक्ट करके निकाली रात भर में जो आप हमेशा गलतियां करते हो, क्योंकि बहुत सी आईडी जब मैं देखता हूं तो मुझे वही चीज़ उसमें लगती है, तो आज मैंने वो आपको सामने आज संबोधित कर दी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें लाइक शेयर ज़रूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतने दोस्तों, बाय।